हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज संगीता। सो टुडे आई एम स्टेइंग इन न्यू होम जो कि मेरे जॉब प्लेस के पास है, बिकॉज अभी मेरा जो घर है ना वो अभी भी दूर है जॉब प्लेस से। बट आई वॉज डूइंग अप डाउन एवरी डे, बट क्या हुआ है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, सो नाउ आई नीड टू स्टे ओवर हियर। तो आज मेरा फर्स्ट डे है एंड आई एम सुपर हैप्पी बिकॉज आई गॉट रियली गुड डिनर फ्रॉम माई ओनर। लेट मी शो यू व्हाट शी गिव। रोटी और ये साथ में मीठा कुछ खाने के लिए, कड़ी और साथ में दही भले। सो थैंक यू सो मच आंटी, आपने इतना अच्छा डिनर दिया मुझे। दिख रहे हैं चाप जिस पे मैंने ये हरी चटनी डाल दी है। सही है, काफ़ी फ्लेवर है इसमें। जैसे मैंने कहा था अंकल ने बिल्कुल वैसा बनाया, मलाई चाप है और तीखा बिल्कुल बिल्कुल नॉमिनल सा रखा है और बहुत टेस्टी है, सच में टेस्टी है। लेके आ चुकी हूँ, ये मेरा नया रूम है और ये है नया किचन जो कि सुंदर है, मेरे रूम से भी ज़्यादा प्रिटी है। तो आज उद्घाटन करेंगे हम गैस का, चूल्हे का, मैगी के साथ क्योंकि कुछ है ही नहीं मेरे पास। वॉश दिस पैन फर्स्ट, उसके बाद हम पर करेंगे क्योंकि ये भीग जाता है मेरा बर्तन धोते हुए। शंख की आवाज आ रही है आपको? कहीं मंदिर आए थे यहाँ पे आसपास पूजा हो रही है, अभी मुझे पता नहीं आया था, पता नहीं क्या मोए मोए। टेस्टी टेस्टी मैगी क्या खुशबू है मैगी की, ये मैगी मसाले की खुशबू ना क्या बताऊँ। करती थी मैं इसे बंद। ये देखो कितनी धुंध पड़ी है यहाँ पे, कुछ दिख रहा है पीछे आपको चाय की तरफ? यह मेरी चाय और ये मेरे पराठे। अच्छा लग रहा है, कोई आदिवासी हूँ मैं। खरीद लिया है अपने लिए सैंडविच जिसको मैंने खाया है, थोड़ा जूस लिया है, थोड़ा सा पनीर लिया है। मूंगफली खा लो दोस्तों, मूंगफली खरीद कर लाई थी मैं, उसके बाद देखते क्या करना है, पढ़ाई कर लेते हैं उसके बाद, है ना, थोड़ा देर रेस्ट करके खा पाए रो। और मैं लाई हूँ कुछ अपने साथ राशन का सामान, मैं वो दिखाती हूँ आपको। और मैं सोच रही हूँ आलू मटर बना लेते हैं, सुबह के लिए आया है बहुत पोहा। आई स्विच टू नॉर्मल नमक से सेंधा नमक में, क्योंकि उसमें कहते हैं बहुत मिलावट होती है। और ये पनीर लाई हूँ क्योंकि मैं आलू मटर पनीर बनाने वाली हूँ, आलू तो नहीं है मेरे पास। और ये सुबह के लिए मैं लाई हूँ पोहा फॉर माय ब्रेकफास्ट। तो पनीर बनाने के लिए मेरे को प्याज छील लेंगे, प्याज है मेरे पास, लहसुन भी है और मटर भी है, तो बनाते हैं। बाद में तब तक गूंद लेते अपना आटा। आओ जी आटा जी, मेरे को सिर्फ खुद के लिए बनाना है तो आई थिंक इतना सा डो बहुत होगा, वरना वेस्ट हो जाएगा, इतना में मेरा हो जाएगा, दो रोटी बनानी है बस। दिस इज हाउ माय प्लेट इज लुकिंग राइट नाउ। इसका कुक जिसने इसे बनाया है इतनी घपला करके, मतलब मैं मिनिमल चीज़ें, कम से कम यही था मेरे पास, उसका ये बन गया है, अब खाते हैं इसको।
सैटरडे संडे होती है मेरी छुट्टी, तो मैं आई हूँ घर पे। अब मैं सोच रही हूँ कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाया जाए। पोहा बना देते हैं, तो पोहा बनाने के बाद मिलती हूँ आपको। अलग अलग दिखा पोहा रेडी। शुक्रिया आप लोगों ने ये व्लॉग यहाँ तक देखा और अपने मुझे सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियो को लाइक किया, कमेंट किया, उस पर पूरा साल जो आपने सपोर्ट दिया, थैंक यू सो 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 मच उसके लिए। और जो नए हैं उनको मैं कहूँगी डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।